आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के उन दिग्गज खिलाड़ियों की जो टॉप ऑन टॉप रहे हैं, भले किसी भी दौर में खेले हों, लेकिन लोग अब भी उन्हें याद करते हैं, उन्हें खेलते हुए देखना चाहते हैं, उनके फोटो संभाल कर रखे हुए हैं, उनके रिकॉर्ड्स जुबानी याद हैं, उनके फुटेज गाहे बगाहे कभी भी देख लेते हैं। लेकिन इन टॉप ऑन टॉप खिलाड़ियों को अपनी आखिरी इनिंग्स को लेकर रिग्रेट रहा होगा कि कुछ छूट गया, कि ये हो जाता तो कितना अच्छा होता। आइए जानते हैं कौन है ये दिग्गज खिलाड़ी जिनके साथ आखिरी मैच में खेला हो गया। पहले है डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया से। 14 अगस्त 1948 एशेज सीरीज, उस वक्त की सबसे बड़ी सीरीज। ब्रैडमैन ने ऐलान कर दिया ये सीरीज उनके करियर की आखिरी सीरीज है। सीरीज के आखिरी मैच में पूरी दुनिया की नजर उन पर थी, लोग आखिरी बार ब्रैडमैन को खेलते हुए देख रहे थे, मगर वे जीरो पर आउट हुए। दुनिया सन्न रह गई। जीरो पर आउट होकर उन्होंने बहुतों को निराश किया। कारण ये कि अगर वे 4 रन भी बना देते तो उनका करियर औसत 100 का हो जाता और 7000 रन का आंकड़ा भी पूरा हो जाता। अपने 52 टेस्ट के इस करियर में ब्रैडमैन ने जो हासिल किया वो किसी अजूबे से कम नहीं था। 52 मैच खेलकर उन्होंने 99.94 के औसत से 6996 रन बनाए। इतने रन के साथ इस औसत के आसपास भी कोई नहीं, शायद होगा भी नहीं, मगर सबके मन में एक ही टीस रह गई कि इतना खूबसूरत करियर आखिर में 4 रन की कमी से अधूरा रह गया। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को जीता और 5 मैचों की सीरीज को भी 4-0 से जीता था। दूसरा नाम है अरविंद डी सिल्वा, श्रीलंका से। 1996 वर्ल्ड कप जीतने के बाद श्रीलंका की टीम 2003 में सेमीफाइनल में पहुंची। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 212 रन बनाए। श्रीलंका का स्कोर 10वें ओवर में 3 विकेट पर 37 रन था। इसके बाद आए अरविंद डी सिल्वा, 11 रन बनाकर खेल रहे। 14वें ओवर की पहली गेंद पर नॉन स्ट्राइकर पर थे, गुणवर्धने के शॉट पर दोनों रन लेने के लिए भागे, लेकिन एंडी बिशेल के डायरेक्ट थ्रो से वे रन आउट हो गए। श्रीलंका का स्कोर 38.1 ओवर में 7 विकेट पर 123 रन था। बारिश आई, डकवर्थ लुईस का नियम लगा, श्रीलंका 48 रन से हार गया। अरविंद डी सिल्वा का ये आखिरी मैच रहा। 1996 के फाइनल मैच में अरविंद ने नॉट आउट 107 रन बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया को हराया था, पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। अरविंद डी सिल्वा के आखिरी मैच से जुड़ा एक और किस्सा है। पहले इनिंग्स में गिलक्रिस्ट बैटिंग कर रहे थे, 6वें ओवर की दूसरी गेंद पर अरविंद डी सिल्वा ने गिलक्रिस्ट को गेंद डाली। गिलक्रिस्ट ने स्वीप करने की कोशिश की, संगकारा ने कैच रखा, अपील हुई, अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन गिलक्रिस्ट पवेलियन की ओर चलते बने। अगला नाम है शेन वॉन, ऑस्ट्रेलिया से। 2003 का वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया की टीम दोबारा वर्ल्ड कप जीतने के लिए पहुंची थी। शेन वॉन ने कहा था कि ये वर्ल्ड कप खेलकर वे संन्यास ले लेंगे, लेकिन 1999 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल के मैन ऑफ द मैच वाले खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2003 का एक भी मैच नहीं खेले। 2003 वर्ल्ड कप खेलने का उनका सपना अधूरा ही रह गया। 2003 वर्ल्ड कप खेलने के लिए वे अफ्रीका पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच पाकिस्तान से था। मैच से ठीक पहले शेन वॉन का डोप टेस्ट हुआ, रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसके बाद उन्हें पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। खैर, टूर्नामेंट हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर जीत दर्ज की, लगातार दूसरी बार। इसके बाद शेन वॉन को कभी ऑस्ट्रेलिया की ओर से वनडे मैच खेलने का मौका नहीं मिला। वर्ल्ड 11 और एशिया 11 का एक मैच हुआ 10 जनवरी 2015 को, इस मैच में वॉन खेले। वॉन ने इस मैच में 2 विकेट लिए थे। माने टेस्ट में सबसे पहले 700 विकेट का रिकॉर्ड बनाने वाले शेन वॉन का वर्ल्ड कप 2003 में खेलने का सपना पूरा नहीं हुआ। अगला नाम सुनील गावस्कर, भारत। तारीख 17 मार्च 1987। पाकिस्तान के मौजूदा पीएम इमरान खान तब क्रिकेट टीम के कप्तान थे। इमरान की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम 5 टेस्ट मैच खेलने भारत आई हुई थी। पहले 4 मैच ड्रॉ रहे थे। गावस्कर पहले ही बता चुके थे कि सीरीज के बाद वे टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। आखिरी टेस्ट बेंगलोर में खेला जा रहा था। पाकिस्तान पहली पारी में 116 रन पर सिमट गया। भारत ने पहली पारी में 145 रन बनाए। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने 249 रन बनाए। भारत को जीत के लिए 221 रन चाहिए थे। आखिरी दिन भारत ने 4 विकेट पर 99 रन के से आगे खेलना शुरू किया। पिच पहली बॉल से ही टर्न हो रही थी। सोचिए आखिरी दिन क्या हाल रहा होगा। खैर, गावस्कर बॉल को लेट खेलकर सिंगल और डबल से रन बना रहे थे। गावस्कर अब भी पाकिस्तान की जीत की राह में चट्टान बनकर खड़े थे। टीम के 180 के स्कोर पर उन्होंने कासिम की एक बॉल को डिफेंड करने की कोशिश की। बॉल टूटे विकेट पर पड़कर उछल गई, बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और पहले स्लिप में रिजवान उस जमान ने तेजी से आए और उस कैच को पकड़ लिया। इसके साथ ही गावस्कर को 96 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। आखिरी बार भारत हार गया 16 रन से। पाकिस्तान ने पहली बार भारत की धरती पर टेस्ट सीरीज जीती। इमरान खान सहित दुनिया के कई खिलाड़ियों ने गावस्कर की इस पारी की भरपूर तारीफ की। क्रिकेट एक्सपर्ट्स गावस्कर की इस पारी को उनकी सबसे शानदार पारी में गिनते हैं। दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक लिटिल मास्टर की इस पारी को सबसे शानदार पारियों में गिनते हैं, मगर उनको जीत नहीं नसीब हुई आखिरी मैच। अगला नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन, भारत। 3 जून 2000, मौका एशिया कप का। इस मैच में पाकिस्तान ने भारत को 44 रनों से हराया था।
मैच में मोहम्मद अजरुद्दीन सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद उनका नाम फिक्सिंग नहीं आया, टीम से बाहर हुए और उसके बाद बाहरी रहे। अपने आखिरी टेस्ट मैच की आखिरी पारी में उन्होंने 102 रन की पारी खेली थी, लेकिन भारतीय टीम इस मैच को साउथ अफ्रीका से पारी और 71 रनों से हार गई थी। अजरुद्दीन का 99वां टेस्ट था। फिक्सिंग में नाम आने के बाद उनका 100वां टेस्ट खेलने का सपना बस सपना बनकर ही रह गया। अगला नाम ब्रायन लारा का, वेस्ट इंडीज। 1 दिसंबर 2006, वेस्ट इंडीज की टीम ब्रायन लारा की कप्तानी में पाकिस्तान के दौरे पर थी। टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच, पाकिस्तान 1-0 से लीड कर रहा था। इस मैच में पाकिस्तान ने पहली पारी में 304 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की टीम पहली पारी 260 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 399 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। वेस्ट इंडीज को मैच जीतने के लिए 444 रन चाहिए थे। चौथी पारी में किसी पहाड़ से कम नहीं था। वेस्ट इंडीज की टीम 244 रन पर सिमट गई। ब्रायन लारा ने इस मैच की पहली पारी में 0 और दूसरी पारी में 49 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की टीम मैच हारी और सीरीज भी। ये ब्रायन लारा का आखिरी टेस्ट मैच था। इसके बाद लारा ने 15 और वनडे खेले और इंटरनेशनल क्रिकेट को 2007 में अलविदा कह दिया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ब्रायन लारा के बिना आधुनिक क्रिकेट की चर्चा नहीं की जा सकती। सही कहते हैं शायद। आज भी लारा का टेस्ट में एक पारी में सबसे अधिक 400 रन का रिकॉर्ड ही है। अंत में बात करते हैं हम सबके हीरो और अब रिटायर हो चुके हैं एमएस धोनी की। 10 जुलाई 2019 वर्ल्ड कप 2019 का सेमीफाइनल मैच, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 239 रन बनाए। टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम के विकेट लगातार गिरते चले गए। भारतीय टीम 49.3 ओवर में 221 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और 18 रन से मैच हार गई, वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गई। इस सेमीफाइनल मैच में धोनी ने 72 गेंदों में 50 रन बनाए। धोनी रन आउट हो गए थे मार्टिन गुप्टिल का वो थ्रो, विकेट को हिट कर चुकी बॉल और क्रीज से दूर धोनी का बल्ला। इस रनआउट ने वर्ल्ड कप में इंडिया को बेसहारा कर दिया। धोनी बल्ला बगल में दबाए पवेलियन की तरफ बढ़ चले। ये पल देख कर रोने वालों की गिनती करोड़ों में रही होगी। धोनी की एक ये रनआउट वाली तस्वीर है और एक 2 अप्रैल 2011 धोनी और टीम इंडिया मैदान पर 5 हाथ ऊपर कूद रही थी। वो बहुत सुंदर यादें हैं। वर्ल्ड कप शायद आगे जीत जाए मगर उनमें धोनी नहीं खेल रहे होंगे, जैसे हम सबको वो मूवमेंट उम्र भर याद रहने वाला है। वैसे धोनी उस आउट होने की फीलिंग को ताउम्र याद रखेंगे। आपके लिए लिस्ट तैयार की थी हमारे साथी आदित्य ने। अगर आपको लगता है कि कोई नाम इस लिस्ट में छूटा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।